हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग नागालैंड। आज के ये एपिसोड में हम लोग वीवो का एक नया फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे और दिखाएंगे कि इसका स्पेसिफिकेशन, इसका लुक कैसा है। ये जो है, जो नया फ़ोन जो है वो T3 Lite इसी महीना में, या तो आप बोल सकते हो अभी तो जुलाई आ चुका है, जून में आपका T3X लॉन्च हुआ था और अभी आ गया है T3 Lite फ़ोन। तो अभी हम लोग T3 Lite को अनबॉक्स करेंगे, लुक और स्पेसिफिकेशन और इसका डिज़ाइन कैसा है और क्या ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो विदाउट एनी डिले चलिए हम लोग इसको अनबॉक्स करके देखेंगे। बिफोर अनबॉक्सिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा, T3 Lite जो है ये एक 5G फ़ोन है और ये देखिए मेरे हाथ में एक छोटा सा डब्बा दिया गया है। दैट मीन्स हाँ, आपने सही समझा कि यहाँ पे आपको अडैप्टर नहीं मिलेगा। यू हैव टू बाय द अडैप्टर, एल्सवाइज आपको अलग से अडैप्टर लेना होगा। इस फोन में आपको अडैप्टर नहीं मिलने वाला है, लेकिन कंपनी ने इसका प्राइस जो रखा है बहुत ही कम रखा है। ये है, आपको दो वेरिएंट मिलेगा, एक 6GB 120GB वेरिएंट और एक है 4GB 120GB वेरिएंट। 6GB 120GB वेरिएंट आपको मिल जाएगा 12,500 रुपीज़ में और 4GB 120GB वेरिएंट आपको मिल जाएगा 10,500 रुपीज़। तो ये फ़ोन जो है, जो मैंने लिया है, ये 6GB 120GB वेरिएंट है और कलर जो मैंने लिया है वो ग्रीन कलर लिया है। और एक कलर इसमें आपको मिल जाता है, दैट इज़ द ब्लैक कलर, द मैजेस्टिक ब्लैक बोला जाता है। तो वो कलर मैं आज अनबॉक्स नहीं करने वाला हूँ। T3 Lite 5G में जो ग्रीन कलर है वो मैं अनबॉक्स करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए इसका लुक देख लेते हैं। तो बॉक्स बहुत ही छोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है वीवो का T3 Lite 5G लिखा हुआ है और ये है बॉक्स। और बॉक्स के अंदर में हम लोग को क्या क्या मिलता है, ऑब्वियसली इसके अंदर में हम लोग को एक छोटा सा सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगा, ये देख सकते हो। और इसके नीचे में, बॉक्स के नीचे में देखिए, हम लोग को यहाँ पे मिल गया है एक USB 2 Type-C केबल और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक, यहाँ पे देखिए, यूज़र गाइड और मैनुअल। और यहाँ पे एक अच्छा कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट कवर। और यहाँ पे अगर लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप देखेंगे, द बीस्ट आप बोल सकते हो, वीवो का फोन T3 Lite मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ एंड दिस इज द T3 Lite। सो आपने लुक तो देख लिया है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मटेरियल दिया गया है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल, ऐसा लग रहा है कि एक बम का आवाज़ या तो एक बम का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। अरे भाई, ये प्लास्टिक मटेरियल ही है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है देखिए प्लास्टिक का फ्रेम और सामने में दिखने को मिल जाता है ग्लास। और ये जो ग्लास जो है वो 6.65 इंच का ग्लास दिया गया है दोस्तों। आपको सामने में मिल जाता है एक वाटर ड्रॉप डिस्प्ले कैमरा और ये जो है आपको मात्र 8 MP का दिया गया है। और पीछे में देखिए यहाँ पे दो कैमरा दिया गया है, एक है 50 MP जो ऑब्वियसली हर फोन में आपको मिल जाता है, जो कैमरा दिया गया है वो 2 MP ऑब्वियसली वाइडर रेंज के लिए। और यहाँ पे देखिए ये IP64 दिया गया, दैट मीन्स यहाँ पे वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, दैट मीन्स ये स्केच होने वाला है नहीं। और वीवो का लोगो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो फ्रंट की तरफ में अगर हम लुक की तरफ अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये है फ्रंट लुक ऑफ द मोबाइल। तो यहाँ पे आप देखिए आपको दोनों साइड में ब्रेजल्स इतने देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे ब्रेजल्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे में आप देखिए, ये है बजट फोन जब भी लॉन्च करता है कोई भी कंपनी, नॉट द वीवो, हम वीवो को अगर दोष नहीं दे रहे, कोई भी कंपनी अगर बजट फोन लॉन्च करता है तो आपको यहाँ ब्रेजल्स नीचे में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये है ऑब्वियस सी बात। और बहुत चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो बॉडी में जो दिल होता है इसकी वजह से तो हम लोग जिंदा है, तो वैसे ही इस फोन का जो दिल जो है वो है इसका प्रोसेसर। दैट मीन्स ये जो प्रोसेसर जो रन कर रहा है वो है MediaTek 6300 का प्रोसेसर, आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ये प्रोसेसर आपका सूटेबल है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है, लेकिन वो क्या काम का है, यहाँ पे 15W का एडाप्टर आपको लेना होगा। ये 15W का एडाप्टर से ये 5000 mAh का बैटरी आपको अगर फुल चार्ज करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है दोस्तों। ब्लूटूथ जो दिया गया है वो 5.4 का ब्लूटूथ यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो दिया गया है, ये साइड फिंगरप्रिंट सेंसर वाला
फ़ोन है और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो ऑब्वियसली आपको अफोर्डेबल फ़ोन जब भी कोई भी कंपनी बनाता है तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक तो मिलना ही है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो ये फ़ोन आपको वीवो का T3 लाइट 5G फ़ोन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अनबॉक्सिंग में करते रहूँगा, आपको नया नया फ़ोन दिखाते रहूँगा और ये अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। तो वीवो का T3 लाइट 5G का जो लुक है, ये क्रीम कलर का लुक देखिए आपका सामने में है और मुझे भी लगा कि अच्छा तो है, लेकिन ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और कौन सा स्पेसिफिकेशन है इस फ़ोन का जो आपको अच्छा लगा और ये भी मुझे बताइएगा। तो इसका प्राइस रेंज जो है 6GB 128GB आपको 12,499, 4GB 120GB आपको मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 10,499 rupees। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वीवो ने T3 5G फ़ोन को लॉन्च कर दिया है। तो ये फ़ोन जो है अभी अवेलेबल हो चुका है, आप ममता इलेक्ट्रॉनिक्स या तो अल्ट्रा आप आके इस फ़ोन को ग्रैब कर सकते हो, पकड़ के रखिएगा और इसको छोड़ना नहीं है। तो वीवो का T3 लाइट अभी अवेलेबल है और आइए और इसे ग्रैब कीजिए। दिस इज़ द फ़ोन।